दिवाली रोशनी का त्यौहार है और कई बार ये त्यौहार दिलों के अंधेरे को भी दूर करता है। ऐसी ही मिसाल देखी कश्मीर घाटी के बडगाम जिले में। इस इलाके में घर से दूर रह रहे ईंट भट्टा मजदूरों की उदास दिवाली में खुशियों की रोशनी तब आई जब इस मुस्लिम बहुल इलाके में स्थानीय लोग इन मजदूरों के साथ दिवाली मनाने घरों से बाहर निकल आए। घाटी में जल रहे इन दियों ने न सिर्फ सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश की है बल्कि ये भी दिखाया है कि दिवाली जैसा त्यौहार न तो ऊंच नीच मानता है और न ही अमीर गरीबी की किसी खाई को। ये मौका तब और खास हो गया जब स्थानीय नेता जावेद बेग त्यौहार मनाने उत्तर प्रदेश और बिहार के इन मजदूरों के साथ पटाखे फोड़ने निकल आए। दीपावली जिसे हम दिवाली कहते हैं रोशनी का त्यौहार है, वो हम हमारे जो गैर रियासती यहाँ पे मजदूर तबका है उनके साथ और जो हमारे कश्मीरी हिंदू जिन्हें हम कश्मीरी पंडित बिरादरी के नाम से जानते हैं उनके साथ मनाने का हमने जो फैसला किया है, उसी सिलसिले में जिस तरीके से कल हमने हमारे इन भाइयों के साथ दिवाली की शुरुआत की, आज इस वक्त जिला बडगाम के ही एक इलाके में हम एक ईंट भट्टे में हमारे जो गैर रियासती यहाँ पे मजदूर तबका है जो हमारे इनके साथ इस वक्त हम दिवाली की एक खूबसूरत पल इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम इस रोशनी के त्यौहार में आपसी जो मजहबी हम आहंगी है जो ब्रदरहुड है या कम्युनल हारमोनी है जिसको हम कायम दायम रखे हुए हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारे भाई है और हम इनके भाई है, ये बिल्कुल सेफ है हमारे साथ। बेशक इन आतिशबाजियों में चमकार कम हो लेकिन आतंकवादी जिस तरह के अतीत में प्रवासी मजदूरों पर जुल्म ढाते रहे हैं उसके मुकाबले ये पहल छोटी सही पर बेहद अहम है। हैप्पी दिवाली कश्मीर से।